यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह मुझे बहुत प्यार करते हैं। करते हैं बहुत प्यार करते हैं। मम्मी से पापा से भी बढ़कर बहुत प्यार करते हैं। करते हैं। वेरी गुड। आज हम एक वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 चैप्टर में। यीशु मसीह यहाँ एक अंजीर पेड़ को क्या बोला, वहाँ क्या हुआ, तो यीशु मसीह चेले लोगों को क्या सिखाते हैं, ऐसे करके इसमें लिखा है 18 से लेकर 22 तक। इसमें ऊपर लिखा फल रहित अंजीर का पेड़, तो इसमें एक विश्वास बातों को यीशु मसीह सिखाते हैं चेले लोगों को। हाँ, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो एक दिन सुबह भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। किसको? यीशु मसीह को भूख लगा। और सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ को देखकर यीशु मसीह वहां गए। जाके वहां कुछ खाने के लिए यीशु मसीह देख रहे थे, तो इसमें लिखा है उसमें सिर्फ पत्ते ही था, फल नहीं था। तो यीशु मसीह तुरंत वो पेड़ से इतना ही बोला, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे करके, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। जैसे यीशु मसीह ने बोला वैसे ही अंजीर का पेड़ सूख गया। तो तुरंत चले लोगों को चकित हो गए, अचंभा हो गया। वो तुरंत पूछते हैं, वो लोग यीशु मसीह से बोलते हैं, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तो यीशु ने उनको ऐसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। क्या बोला? विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यीशु मसीह इतना अच्छा सा चेले लोगों को दिखाया, सिखाया, समझाया कैसे विश्वास रखना, संदेह नहीं करना, प्रार्थना करना, ये सब यीशु मसीह सिखाया। आज भी यीशु मसीह यहाँ है। यहाँ है? पवित्र आत्मा यहाँ है? तो हमको वो सिखाने के लिए आए हैं। हमारा पिता परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह यहाँ आए हैं, हमको भी सिखाएंगे। देखो इसमें लिखा है यीशु मसीह वो पेड़ के पास गया, उसमें फल नहीं था, वो तुरंत बोला वो सूख गया। तो यीशु मसीह पेड़ के पास गया, बोला तुरंत सूख गया, ये कैसे हुआ? चले लोगों को चकित हो गए। यीशु मसीह का वचन में इतना सामर्थ्य है, जो भी तुम बोलेगा विश्वास से हो ही जाएगा। इसको दिखाने के लिए यीशु मसीह सिखा रहे हैं। समझ आ गया? परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए तुम बोलोगे वहां होगा करके यीशु मसीह चेले लोगों को सिखाते हैं। तो उसके बाद यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, तुम विश्वास रखो, संदेह ना करो। अगर मैं बोलूंगा तो होगा क्या? मिलेगा क्या? यीशु मसीह करेगा क्या? ऐसे ऐसे सोचोगे कभी होगा ही नहीं। यीशु मसीह देखो बोला वहां हो गया। दिखा रहे हैं, चेले लोगों को भी सिखा रहे हैं, विश्वास रखो, संदेह ना करो। और कहते हैं यदि इस पहाड़ से भी कहोगे। पहाड़ कितना बड़ा है? हा?
हम लोग पहाड़ के सामने जाके देखेंगे तो हम छोटा लगेंगे ना, पहाड़ ऐसे ऊंचा पहाड़। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे उकड़ जा और समुन्द्र में जा पर, तो वो वैसे ही हो गए। देखो, एक पहाड़ को देख के बोलने के लिए यीशु मसीह सिखाते हैं। इसमें अच्छा सा थोड़ा समझना बच्चे लोग, पहाड़ बड़ा है, हम छोटे, नॉर्मल ऐसा ही है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ सिखाते हैं, विश्वास रखो, संदेह ना करो, तुम्हारा प्रार्थना को यीशु मसीह सुनेंगे। ऐसे ही तुम कहना, पहाड़ को ऐसे देख के बोलना। कैसे देख के बोलना? चींटी को कैसे देखते हैं? मच्छर को कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे मच्छर को। इसका मतलब तुम बड़े हो, तुम्हारा सामने पहाड़ छोटा सा देखो, परिस्थिति को इतना बड़ा नहीं देखना। वो पहाड़ कैसे जाएगा समुन्द्र में? मैं बोलने से चले जाएगा क्या इतना बड़ा? ऐसे मत सोचो, ऐसे देख के बोलो, हे उकड़ जा समुन्द्र में जा पर। क्यों? क्यों? विश्वास किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु के नाम से उकड़ जा समुन्द्र में जा पर, वैसे ही होगा। किसके नाम से बेटा? यीशु मसीह के नाम से। बोलो, यीशु मसीह के नाम से उकड़ जा और समुन्द्र में जा पर। बोल सकते हैं? वेरी गुड। क्यों? यीशु का नाम में क्या है बेटा? सामर्थ्य। वो कौन है? पिछले हफ्ते हम देखे, जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह, उद्धार करता। उसके ऊपर विश्वास रखोगे, समुन्द्र के अंदर पहाड़ डूब जाएगा। तो समुन्द्र कितना गहरा होगा? कौन बनाया समुन्द्र? परमेश्वर ने अपनी वचन से। वचन कौन है? यीशु मसीह के द्वारा ही सब बनाया। कौन सृष्टि करता? पवित्र आत्मा बनाया है ना। तो समुन्द्र, पहाड़, अंजीर का पेड़, जानवर, सब कुछ कौन बनाया? हमारा पिता परमेश्वर ने वचन से बनाया। हमको कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। बनाया ना? यस आंटी। हम किसके स्वरूप में है? परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हम इधर बैठे हुए सब बच्चे लोग, हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो उनका लघु से हम धोए गए हैं। अभी हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह। वो छोटा है? नहीं, बड़ा है। आसमान, स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनका पैर रखने का जगह है। इतना बड़ा परमेश्वर अभी किसके अंदर है? हमारे अंदर। तो पहाड़ कैसे दिखेगा? तो उसको आसान से बोल सकते हैं ना? समझ आ गया। इतना सा दिखेगा पहाड़, ऐसे ही देखोगे, बोलोगे उगड़ जा जा, वो मानेगा ना? क्यों? राजाओं का राजा किसके अंदर है? मेरे अंदर। यीशु मसीह बोलने से सब कुछ सुनेगा, मानेगा। अंजीर का पेड़ मान लिया, पहाड़ मानेगा, समुन्द्र मानेगा। इतना ही आना, इससे पार नहीं होना। परमेश्वर ने उसको सीमा रखा। आज भी देखो, समुन्द्र का लहर आएगा, फिर वापस चले जाएगा। समझ आया?
आसमान पृथ्वी को बनाया परमेश्वर आज हमारे अंदर है। हम पहाड़ के देखकर हम बोलेंगे उखड़ जा समुद्र में झपट। क्या करना बेटा? दो काम करना, विश्वास रखना, संदेह करना। तो तुम प्रार्थना में इसमें बोल रहे हैं यीशु मसीह, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। समझ आ गया? और दूसरा जगह पर भी हम इस ऐसे वचन को हम देखेंगे, लूका 17 अध्याय में यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। कौन पूछा? प्रेरितों लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं हमारा विश्वास को बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएगा? तो यीशु मसीह वहां उनको वैसे सिखा रहे हैं, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। कितना अच्छा सा यीशु मसीह सिखाते हैं। देखो क्या बोलना, जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, वो तुम्हारा मान लेगा। कितना विश्वास? राई के दाने, राई देखा, छोटा सा एक गोल है ना, उतना भी तुम्हारा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, वो पेड़ तुम्हारा बात को मानेगा। क्यों? किसके ऊपर विश्वास है? वो छोटा है, बड़ा परमेश्वर। ऐसे योहन्ना 1:4 में ऐसा एक वचन है, आंटी बोलूंगी पीछे पीछे बोलना, बोलेंगे बोलोगे। एक योहन्ना 4:4 में लिखा है, मेरे पीछे पीछे बोलना, हे बालको, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के हो। कौन है? हे बालको, कौन बालक है? सब बालक है ना, यीशु मसीह के लघु से धोए हुए सब लोग परमेश्वर का बेटा बेटी है। अभी बालको कौन है? आप सब लोग बालक है, छोटे बच्चे है। हम आंटी भी यीशु मसीह को एक बेटी हूँ, है ना? ठीक है, तो सुनो, हे बालको, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के हो। तुम किसके हो? परमेश्वर के। और तुमने उस पर जय पाई है, बोलो, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है, जो संसार है बड़ा है, बड़ा है। जो तुम में है इसका मतलब तुम्हारे अंदर है यीशु मसीह, इस संसार में है उससे बड़ा है। संसार में कौन है? शैतान, सबका अंग को अंधा करके रखा है। जो संसार में है उससे बड़ा किसके अंदर है? बोलो, मेरे अंदर है। जो संसार में है उससे बड़ा यीशु मसीह मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर का हूँ, मैं जय पाया हूँ। यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं किसके ऊपर विश्वास किया, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। समझ आ गया? इसमें और भी एक बात यीशु मसीह सिखाते हैं,
दूसरे को माफ करने के बारे में भी सिखाते हैं। पहले भी आंटी आपको सिखाया, एक बार नहीं, सात बार नहीं, 7 × 70, 770 बार, मतलब 490, 490 बार माफ करते रहना, माफ करते रहना। समझ आ गया? अपनी भाई बहन को माफ करना, हम भी माफी मांगना। तो विश्वास रखो, संदेह ना करो, तुम्हारे अंदर कौन है, दुनिया में है, संसार में है, उससे बड़ा मेरे अंदर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है। उसके नाम से मैं बोलूंगा, यीशु के नाम से उकड़ जा, समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़, वैसे ही होगा। दूसरा, वो पेड़ है ना, शक्तूत पेड़ को देख के यीशु मसीह ने बोला, जड़ से उकड़ जा, समुद्र में लग जा, वो तुम्हारे बातों को मानेगा, मानता है ना। परिस्थिति को, इसका मतलब और भी एक बात है, परिस्थिति, समस्या, आपका प्रॉब्लम, उसको ऐसे पहाड़ जैसे नहीं देखने का, परिस्थिति से भी बड़ा कौन है? ओ पता है आंटी, मेरे को ऐसे ऐसे ही होता है, कुछ भी मत देखो, क्यों? सबसे बड़ा कौन है? वो तुम्हारे अंदर है, तुम कैसे देखना उसको, छोटा सा देखना, ए उकड़ जा यीशु के नाम से जा, वो तुम्हारा बात को मानेगा। समझ आ गया? तो एक छोटा सा गाना गाएंगे, तेरा नाम कहूंगा मैं सबके बीच में, गाऊंगा तेरे विश्वास से हर पल में जीऊंगा, तेरा नाम कहूंगा मैं सबके बीच में, गाऊंगा तेरे ही विश्वास से हर पल में जीऊंगा। कौन है तेरा नाम, मतलब यीशु मसीह, बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम को बोलेंगे पहाड़ हट जाएगा, पर्वत भी टल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा। आसमान पृथ्वी भी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, स्थिर रहेगा। वो राजा है, उनका राज्य अटल है, वो राजा हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है। हम परिस्थिति को देख के बोल सकते हैं, यीशु के नाम से उकड़ कर समुद्र में गिर जा, गिर जाए। समझ आ गया? प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इन सारे बच्चों के अंदर प्रभु इस पवित्र बीज को बोने के लिए मुझे मदद किया, मेरे अंदर बात किया, इन सारे बच्चों को सिखाया। परम पिता, आप कौन है, आप कैसे परमेश्वर है, आपके ऊपर विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होते करके इन बच्चों को सिखाया, दिखाया। ये पूरे वचन को ये लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, परिस्थिति के ऊपर जाय पाने के लिए, दुनिया में है जो है उससे भी बड़ा मेरे अंदर है करके हर बार ये बच्चे लोग बोलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में सामर्थ, यीशु नाम में जय मिलती है करके ये बच्चे लोग अपने जीवन में अनुभव करने के लिए मदद कीजिए। आपका हाथ में इन सारे बच्चों को हम समर्पण करते हैं यीशु के नाम से, इन बच्चों को प्रभु मैं आशीष करती हूँ। जो कोई भी प्रभु इस वचन को सुनते हैं उसकी जीवन में प्रभु काम कीजिए। हालेलुया, आपका बलवंत हाथों के अंदर इन सारे बच्चे को, सबको प्रभु समर्पण करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमेन।